तो दोस्तों दिल्ली के अंदर हाजिर हैं और जहाँ पे ये शॉप है वो आपको एड्रेस भी दिखाएंगे। पूरी पिजन एसेसरीज आपको मिलेंगी, हर एसेसरीज आपको मिलेंगी, आपको छतरी से लेके छतरी पे बांधने का जो कपड़ा है वो तक मिलेगा, स्क्रैपर से लेके सप्लीमेंट्स और कलर जो लगते हैं कबूतरों को, जो जो कलर लगते हैं आप देख सकते हैं, पूरी रेंज मेंटेन है। जो नेस्ट बाउल होते हैं, नेस्ट बाउल मौजूद हैं, ड्रिंकर्स मौजूद हैं 3 लीटर 6 लीटर, और सप्लीमेंट सारे मौजूद हैं। हर कंपनी के सप्लीमेंट यहाँ पे मिलेंगे, हर जगह के सप्लीमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इवन जो आजकल सबसे ज़्यादा कमी चल रही है वो है ट्रेस की, ट्रे नहीं मिल रही, तो ट्रे भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो मिलवाते हैं जहाँ पे ये शॉप है, पूरे पिजन सप्लीमेंट्स की, पूरे सप्लीमेंट्स और एसेसरीज़ की। तो आप बिल्कुल बिंदास होके जिनसे मैं मिला रहा हूँ आप बिल्कुल सप्लीमेंट्स और एसेसरी ले सकते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं उनसे। तो दोस्तों मिलवाते हैं आपको जीतू सुपर पिजन्स। तो जैसा कि नाम के मोहताज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन जो शॉप है पूरी पूरी सप्लीमेंट्स एसेसरीज की वो हमारे जीतू सुपर पिजन्स की है जी। तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद। जीतू भाई सबसे पहले पूछना चाहूँगा अपनी ये शॉप जो है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सब भाइयों का स्वागत है हमारे चैनल पे, इमरान भाई के चैनल पे, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इमरान भाई हमारे पास टाइम निकाल के आए। उनकी टीम का पूरा शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आप हमारे पास आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू भाई जी। तो जीतू भाई शॉप का इनॉग्रेशन कब हुआ था और किस तरीके से चालू कर रहा था ये थोड़ा सा बताएं। इमरान भाई अपनी शॉप का इनॉग्रेशन हुआ था 15 अप्रैल के आसपास हुआ था और 2021 में हुआ था। 2021 यानी कि दो ढाई साल हो चुके जी। तो दोस्तों जितने भी सप्लीमेंट दिखा रहे हैं और जीतू भाई से पूछेंगे क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या यहाँ पे डिलीवरी करवा सकते हैं, कितने दिन में डिलीवरी पहुँच जाती है, और डिलीवरी का तो एक बार बोलूंगा दोस्तों जितनी फास्ट हम नहीं करवा पाते उतनी फास्ट हमारे जीतू भाई करवाते हैं डिलीवरी। दोस्तों पता क्या होता है, जैसे कुछ भाइयों के जैसे हम कॉल आते हैं कि भाई जी हमें यह सप्लीमेंट चाहिए, हमें ये इस एरिया में चाहिए, तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर जो कोरियर की सुविधा होती है वो बिल्कुल फास्ट होती है जी। कई बार जो आप जैसे हम करते हैं कोरियर करते हैं वो एक दिन में भी पहुँच जाता है बिल्कुल ठीक है, और कई बार उसको 2 दिन भी लग जाते हैं जी, लेकिन टाइम पे पहुंचा ऐसा नहीं है। कुरियर में से एक कुरियर बिल्कुल लेट हो सकता है, वो भी इस वजह से लेट होता है क्योंकि उनका जो गांव होता है और एक डाकखाना उनका दूर होता है, तो उस वजह से वहां रुक जाता है, उन्हें पता नहीं होता, तो फिर हमें समझाना पड़ता है कि आप वहां से ले लीजिए बिल्कुल। तो दोस्तों जीतू भाई यहां पे दो जीतू भाई हैं, एक तो मेन जीतू भाई है और इनके राइट और लेफ्ट हैंड जीतू भाई है, ये जितेंद्र नाम है इनका। तो दोस्तों दोनों को जीतू भाई बोलते हैं जी जी जी। और दोनों के नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप दोनों में से कहीं पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको जो एसेसरीज और सप्लीमेंट्स जीतू सुपर पिजन्स पे अवेलेबल है वो आपको शो करवाते हैं। और देखो दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, इमरान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस चीज के लिए कि जो सप्लीमेंट इन्होंने हमें प्रोवाइड कराए हैं और बिल्कुल मुनासिब रेटों में आप लोगों ने यूज़ भी किए हैं, उनका रिजल्ट भी आपके पास आया है, बहुत सारे भाइयों के पास रिजल्ट आया है, हमने उनको प्रोवाइड कराए हैं, तो उस चीज़ के लिए इमरान भाई का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि इतना डीपली जाके इन्होंने कबूतर के बारे में इतनी ज़्यादा रिसर्च करी। एक इंसान एक कबूतर के बारे में कितना रिसर्च कर सकता है, अब हमें ये पता है खांसी है कबूतर को तो ये दवाई देनी है बिल्कुल ठीक है भाई, कबूतर हरी बीट कर रहा है ये दवाई देनी है, लेकिन ये लोग इतना डीपली उसको लेके गए और उसको उस चीज़ को इन्होंने पकड़ा कि कबूतर में कहाँ से दिक्कत बनती है, उसकी 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 मेडिसिन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या उसकी डोज होनी चाहिए। बहुत से भाइयों को तो ये भी नहीं पता कि कबूतर को दवाई देनी है उसकी डोज कितनी होनी चाहिए बिल्कुल ठीक है ना, वो जाया कर लेते हैं, वो बल्कि बचने की बजाय वो कबूतर मर जाता है जी। तो इन्होंने प्रॉपर जो है मेडिसिन की डाइट जो है डोज भी लिखी हुई है, इनके जो सप्लीमेंट है किस तरीका भी बता रखा है और कितना देना है और क्या उसका रिजल्ट है वो सब आपके सामने ही, ताकि दोस्तों आपको पूछने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब लेंगे आप तब भी आप पूछते ही हैं डोज वगैरह, और जब पहुंच जाती है तब भी आपसे पूछते होंगे बिल्कुल बिल्कुल इमरान भाई, तो ऐसा होता है। उससे बेहतर है कि आप उसके ऊपर लेबल लिखा हुआ है, बाकी कोशिश कर रहे हैं कि एक स्लिप अंदर डलवा दें ताकि हिंदी में भी लिखा हो जाए और जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें भी लिखा हो जाए जी, जी, तो आगे का प्रोसेस है। बाकी जो भी सप्लीमेंट्स और एसेसरीज जीतू भाई की शॉप पे मौजूद है वो आपको शो करवाते हैं जी, जी, और उनका प्राइस भी बताएंगे जी। बाकी ऑर्डर देने के लिए आप बिल्कुल बिंदास होकर जीतू भाई और जीतू भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी जी। तो जीतू भाई 3 लीटर के और 6 लीटर के ड्रिंकर हैं अपने पास जी जी। तो 3 लीटर वाले इमरान भाई 1 लीटर का भी ड्रिंकर है,
ये छोटा ड्रिंकर है, एक लीटर का भी है ये आप इसे केज में यूजली यूज कर सकते हो इजिली, जहाँ पे आप जो ब्रीडिंग केज करते हैं, लोग ब्रीडिंग कराते हैं केज में, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है ये एक लीटर का ड्रिंकर है। तो और जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई कबूतरों को कोई मेडिसिन वगैरह में पानी में घोल के देनी है, तो हम ज्यादा बड़े उसमें तो हम डाल नहीं सकते, तो ये छोटे ड्रिंकर में भी आप उनको यूज करा सकते हो। बिल्कुल, तो दोस्तों ये एक लीटर का ड्रिंकर बहुत बेहतरीन चीज है जो बीमार कबूतर है उनके लिए भी, प्लस जो आपके ब्रीडर्स होते हैं जो मार्कर्स में रख देते हैं या केजेस में ब्रीडिंग होती है जिनकी, उनके लिए एक लीटर सफिशियंट होता है गर्मी के अंदर। बिल्कुल, तो ये एक लीटर के, तो इसकी क्या प्राइस है एक लीटर वाले की? क्या इसका रेट? 200 रुपये इसकी प्राइस है दोस्तों, प्लस कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा रहेंगे जी। ठीक है, कुरियर चार्ज से अलग हटा के सिर्फ आपको MRP बता रहे हैं, बाकी कुरियर चार्ज जितने आए वो आप जीतू भाई से बात कर सकते हो। 3 लीटर का जो ड्रिंकर है जी, ये वाला कितने का है? 350 और 6 लीटर वाला 750 रुपये का 6 लीटर वाला है दोस्तों, और 350 वाला 3 लीटर का। इसके अलग अपन देखते हैं जो कलर्स हैं आप, बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कलर्स, जो उड़ान आने वाली है गर्मी की, वो गर्मी के अंदर जो कलर्स लगाए जाते हैं। जितो इसमें कितने कलर्स हैं इमरान भाई? इसमें हमारे पास 10 कलर अवेलेबल है, 10 कलर्स, और सारे डार्क कलर अवेलेबल हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, बेसिकली जो कलर यूज होते हैं कबूतरों में वो कलर हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल है जी। और इसमें हमारे पास जो पैकिंग है वो 2 तरह की पैकिंग है, ये वाली जो पैकिंग है ये 160 रुपीज की पैकिंग है। ठीक है, कितने ml है ये? 250 ml है। 250 ml, हाँ, 250 ml के आसपास आई है, 200 ml भी हो सकता है। ओके, तो ये जो है इसका देखो, डायरेक्ट आपने ये निकाला कैप, आप इसको स्प्रे करेंगे कर सकते हैं तो ये कबूतर को इजिली लग जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर 40 कबूतरों की जो है स्प्रे होती है जी। ठीक है जी, कई लोग डिजाइन वगैरह बनाते हैं तो बिल्कुल 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 वो ले सकते हैं। और एक इमरान भाई ये हमारे पास ये गोल्डन टाइप का कलर लग रहा है, नहीं कलर इसमें ऑरेंज कलर है। ओके, और इसका जो पैकिंग है वो अलग है, उसका अलग है। इसका पैकिंग का रीजन क्या है वो, जैसे अगर आप यूज कर रहे हो तो आपने एज इट इज रख दिया, कई बार बच्चे उसको उठा के स्प्रे कर देते, ये जो बोतल है ये लॉक हो जाती है। ओके, जैसे आपने यूज किया इसको अनलॉक करो, यूज करो, और जैसे ही आपने यूज कर लिया उसके बाद लॉक कर दो, बच्चा इसको गिरा नहीं सकता ना इसको कोई स्प्रे कर सकता है, कुछ बाहर आ सकता है, नहीं बाहर आ सकता है जी। तो ये 180 रुपीज का है। ओके, इसमें भी 10-12 कलर अवेलेबल है हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, कलर किसी को लाल पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को नीला पसंद है जी। और आप कई बार इंडियन फ्लैग का कलर भी लगाते हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो जैसे देखो इनके ऊपर ये बना हुआ है, ये प्रॉपर इंडियन फ्लैग का ही कलर बना हुआ है, तो आप इस तरह से डिजाइन करके भी अपने कबूतर को लगा सकते हैं। ठीक है, और सभी तरह के कलर हमारे पास अवेलेबल है, और ये कलर वो कलर है इमरान भाई, जैसे ही आपने लगाया इमीडिएटली ये सूख जाता है जी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसको पकड़े रखना है या इसको ड्रायर से सुखाना है, जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे वैसे वैसे ये सूखता जाएगा। और इसका एक बेनिफिट और भी है कि ये जैसे नॉर्मल कलर जो हम पहले यूज किया करते थे, वो जैसे हम कबूतर को नहलाने के लिए पानी रखते थे, वो कबूतर का पानी में बह जाता था कलर, ये कलर उतरता नहीं है। मतलब अपन नहलाएंगे कबूतरों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये कच्चा नहीं होगा कलर, अगर एक बार ये पकड़ लिया तो आप पानी में बिठाओ चाहे बारिश में उड़ाओ, कबूतर को कलर उतरता नहीं है जी। कई बार होता है नहलाते तो अपन कलर पानी में भी चढ़ जाता है, पानी में क्या वो कबूतर इतना गंदा हो जाता, तो समझ में ही नहीं आता था कि कलर के क्या, पूरा गर्दन वर्दन पे पूरा कलर आ जाता, तो वो इसमें ऐसा नहीं है। बिल्कुल अच्छा, पंजाबी कबूतरों के लिए खास तौर से जो छतरी लोग बाग ढूंढते जी, ये छतरी जी जी, ये क्या रेट की है? ये इमरान भाई अपने पास 400 रुपए की छतरी है, और अगर इसको पेंट वगैरह करके दें तो ये 450 रुपए की, एज इट इज अगर ले तो कोई 400 रुपए की। और साइज कितना है इसका? 2 फुट का, 2x2 24x24 का साइज है जी, ये 2x2 की जी। तो इसके ऊपर जो कपड़ा अभी मैंने देखा था, एक साहब लेने आए थे कपड़ा, हाँ जी, ये कपड़े के कलर है इमरान भाई, ये सारे ब्लू कलर है, येलो है, ये पर्पल कलर है, इधर ये रेड है, ग्रीन है, इसमें भी हमारे पास 10 कलर जो छतरी पे लाने के होते हैं, जो चाहे जिस कलर पे और तो ला सकते हैं। बिल्कुल, इसमें एक चीज और है, देखो पंजाब से भी बहुत सारे भाई कपड़ा लेके आते हैं, फैदर और लेके आते हैं फैब्रिक, लेकिन हमारे इस फैब्रिक में बहुत फर्क है जी। आप इमरान भाई इसको एक बार ही ना टच करके देखिए, रेशम जैसा लग रहा है, मखमली लगेगा, मखमली कबूतर को जैसे ये बैठेगा ना कबूतर इसके ऊपर, तो कबूतर को ये गर्मी के अंदर गर्म नहीं लगेगा जी, हाँ एब्जॉर्ब कर लेगा उसकी गर्मी, बिल्कुल गर्म पंजा होगा तो। और दूसरी बात, इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि इसको जैसे दूसरा कपड़े को हम धूप में रखते हैं वो कलर फेड हो जाता है जी, हाँ ये अपना कलर नहीं छोड़ेगा, ठीक है कलर जैसे बारिश में भीगे धूप में लगा रहे, ये अपना कलर कभी नहीं छोड़ेगा। ओके, जो इसका कलर है वेजिटीज रहता है, अच्छा कॉटन का जो होता है वो आपने देखा होगा एक बारिश के बाद वो बिल्कुल ही टोटली अगर ऑरेंज है तो व्हाइट हो जाता है, वो तो ये कलर नहीं छोड़ता, ये कलर नहीं छोड़ेगा क्योंकि मखमली है, ये मखमली और ये गर्म नहीं होगा कपड़ा, नरम कपड़ा है ये बिल्कुल। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों डमी एक्स है प्लस स्क्रैपर्स है, और इसमें अपने पास मॉस्किटो स्प्रे है
जैसे अभी लॉफ्ट में लोगों भाइयों को दिक्कत आती है बारिश के टाइम पे, मच्छर ज्यादा हो जाते हैं, मच्छरों की वजह से पॉक्स भी होता है, पॉक्स भी होता है, तो ये उसके लिए बहुत बेनिफिट है इसमें। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है, ये स्प्रे है। इसके अलावा ये स्क्रैपर्स, ये स्क्रैपर्स हैं इमरान भाई, इसमें एक ये साइज का स्क्रैपर है 6 इंची का है, ये 10 इंची का स्क्रैपर है। ये क्या रेट के? ये कितने का? ये 200 रुपए का है, और ये वाला 180 रुपए का। चलिए ठीक है, ये डमी एग्स है, डमी एग्स जी, ये भी अपने पास अवेलेबल है अगर किसी भाई को रिक्वायरमेंट है इनकी। देखो ये बारिश के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ये इनकी तो पड़ती है। अगर आप प्रॉपरली बढ़िया तरीके से कबूतरबाजी करना चाहते हैं, ब्रीडिंग कराना चाहते हैं, तो फिर इसकी तो जरूरत बहुत है। 20 अंडे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इमरान भाई। अब इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट बाउल है अपने पास, हाँ जी हाँ जी, ये बादाम कटर रखा हुआ है, छोटे साइज का भी है और बड़े साइज का भी है। जैसे कुछ भाई कहते हैं हमारे बचपन में वो खुराक बनाते हैं। जी तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि एक एक बादाम को काटने में काफी टाइम लगता है। कुछ भाइयों के पास 10-12 कबूतर होते हैं, उसके लिए छोटा है, जिन भाइयों की ज्यादा क्वांटिटी में कबूतर होते हैं उनके लिए बड़ा है। और बाकी नेक्स्ट बाउल के क्या रेट है? ये नेक्स्ट बाउल के भाई 200 रुपए का सेट है, विद पैड के साथ, विद पैड के साथ, मतलब नेक्स्ट पैड के साथ जी। ओके, अब आ जाते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्स में, सारे सप्लीमेंट्स मौजूद है भाई के पास। जी 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 जी, ये सारे सप्लीमेंट अपने पास अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं, सुपर विटामिन वगैरह हैं, ये आइडल पिल्स वगैरह का आइडल बाथ है, ये रैपिड रिकवरी है, ये 6-in-1 है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है इमरान भाई, ये हमने यूज़ किया है जी, इसका बहुत तगड़ा रिजल्ट है। और इसके बाद ये है अपने पास सप्लीमेंट, ये देख खांसी नजर जुकाम में काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे खर खर करता है ना, बहुत से भाइयों की प्रॉब्लम आती है कि कबूतर के ना गले में से खर खर की आवाज़ आती है, काफी मेडिसिन भी वो देते हैं, आप इसे यूज करो, वो समस्या खत्म हो जाती है। नाक से पानी आता है, उसमें आँख से पानी आता है, उसमें भी ये काम करता है जी। अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज, ये बहुत अच्छी चीज देख रहा हूँ, ये बेबी फीडर है, बेबी फीडर जी जी, इमरान भाई इसका रोल फॉर्मूला भी है जी, ये आप इसे इस तरह से भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते उसे यूज करना, इसके अंदर 2 तरह के दाने लो आप जी, हरी दाल, मूंग की दाल जी, बाजरा और टूटा हुआ गेहूं जिसे दलिया बोलते हैं, ये 3 तरह का दाना आप पानी में भिगो के इतना आपने दाना लेना है जी, यानी कि 30% दाना 70% पानी, आप इसको शेक करके बच्चे को दो, इसमें एक बार में 5 से 10 बच्चे आप भर सकते हो, अगर बड़े बच्चे मतलब 5 के पास ज्यादा ब्रीडिंग वाले हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है, अगर मान के चलो अगर बच्चा आपने इतने साइज का उठा लिया तो उसको कबूतर को जुड़ती नहीं है कि बच्चा पालने, ये आपके पास है तो आप इससे बच्चे को सुबह शाम भरो, बस ये आपने ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी आपने गर्मी में ज्यादा लेनी है। इसकी रेट क्या है? ये 160 रुपीज का है, 160 रुपीज, और आजकल जो बाहर का आ रहा था वैसे भी बंद हो चुका है, वो काफी महंगा है, महंगा भी है, 350-400 रुपए का है वो, लेकिन उसको मिल भी नहीं रहा आजकल, नहीं उसको फिर आपको ये एक बच्चा भरना पड़ेगा। अभी आपने इसमें 10 बच्चों का फीड डाला जी, 10 बच्चों को कंप्लीट करके 2 मिनट में बाहर आ जाओ, इसकी प्रॉपर वीडियो भी डाली, बच्चे ही भर जाएंगे जी जी जी। और इसके अलावा सारे सप्लीमेंट अवेलेबल है दोस्तों, हाँ जी हाँ जी, हर कंपनी के जी, हर प्रोडक्ट्स, और खास तौर से ये कितने जो अपने ट्रे है, ये कौन सी वाली है? ये इमरान भाई है, ये 12 इंच की ट्रे है, 12 इंच यानी कि 1 फुट, 1 फुट की है एक जी। ये क्या प्राइस है इसका? ये 200 रुपए की है। फिर इसमें कलर अपने पास अवेलेबल है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, और अब कुछ भाइयों का डिमांड ये थी, पहले हमारे पास एक ही कलर आ रहा था जी, तो कुछ भाइयों ने बोला कि भाई जी तो भाई हमें कुछ ऐसा प्रोवाइड कराएं, क्योंकि मेरा जाल नीला है जी, तो मैं चाहता हूँ मेरी ट्रे भी नीली हो, बिल्कुल मेरा ड्रिंकर भी नीला हो जी, कुछ भाइयों के ग्रीन है, किसी का ब्लू है जी, तो उसी हिसाब से फिर हमने इसमें कलर मंगवाए हैं कि जिसका जो जाल है उसके हिसाब से आप ये मैच करके ले जा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ 2 फिट की भी अवेलेबल है, इसमें अपने पास बड़ा साइज भी अवेलेबल है, ये वाला साइज है, हाँ जी, इसमें भी कलर अवेलेबल है जी, ठीक है, और उससे बड़ा वो वाला भी अपने पास है, वो भी अवेलेबल है, हाँ जी हाँ जी, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको सारी एक्सेसरीज एक ही जगह पे मिल जाएगी, बिल्कुल। प्लस ये क्या रखा है? ये इमरान भाई ये अपने पॉक्स मेडिसन है जी, ये इस मेडिसन का कबूतरबाजी में बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत से भाई हैं जो महंगे से महंगा जोड़ा खरीद के लाते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, बच्चे निकलवाते हैं, और बारिश के या गर्मी के टाइम में मच्छरों की वजह से पॉक्स हो ही जाता है, बिल्कुल, तो हर बंदे कैसे कब पैदा हो जाएगा कुछ नहीं पता उसका, आप उसको कंट्रोल कर नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है वो, ठीक है जी। तो जब बच्चा निकलता है, जब उसको बच्चे को पॉक्स काट जाता है, तो बंदे को बड़ा दिक्कत होती है कि यार मैं इतना महंगा जोड़ा, मेरी इच्छा थी कि मैं इसका बच्चा निकल जाता है, बढ़ने लगता है, तो बच्चा मरता ही है, वो मरता ही है जी। अगर वो बच भी गया वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो शरीर छोड़ देगा, वीक चल हो जाएगा, ना तो उड़ा सकते हो आप उसे, ना उसे ब्रीडिंग में ले सकते हो, बिल्कुल, वो फिर आपका टाइम पास वाली बात है। ये एक ऐसी मेडिसिन है इमरान भाई, एक बार लगाने में, सिर्फ एक बार लगानी है,
हल्का सा उसको पॉक्स को छीलना है आपने जी, और उसके ऊपर इसको हल्का सा गीला करके क्रीम फॉर्म में लाके उसके ऊपर इसकी ओवरलैपिंग करके आप छोड़ दो, आप अगले दिन देखना फुंसी जली हुई मिलेगी और गिर जाएगी। एक दिन की ट्रीटमेंट है ये। तो दोस्तों एक बार ये यूज करके जरूर देखें, जिनके बच्चों के पॉक्स हो रहा है जी वो जरूर यूज करें। और ये 500 रुपीस का है जी, और इसमें 100 बच्चों की मेडिसिन है, मेडिसिन हो जाती है। एक ही बार लगाना है क्योंकि एक ही बार यूज करना है इसको जी, ठीक है। और एक ही बार में आपको खुद देख लोगे क्या रिजल्ट है इसका। और कई भाइयों को जैसे गले के अंदर भी दिक्कत हो जाती है जी, उसके अंदर भी आप ये लगा सकते हो। मतलब इसको खिलानी है कि खिलानी नहीं है, जैसे अंदर जख्म हो गया जी जी, आपने एयरबड्स लेना है जी, उसके साथ इसको अच्छे से लगा के कबूतर को 3 घंटे के लिए कुछ खाना पानी नहीं देना है, उसके बाद आप जो मर्जी दो अगले दिन बच्चा ठीक हो जाता है बिल्कुल। तो इसका भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जी पॉक्स क्रीम जी, और इसके अलावा अपने ये पिजन होल्डर भी अपने पास, ये इमरान भाई पिजन होल्डर है जी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा रोल है इसका भी, दवाई वगैरह खिलाना हो, दवाई वगैरह खिलानी हो या कबूतर को कलर लगाना हो, कलर लगाना डिजाइन बनाने में मैं इसकी प्रॉपर वीडियो डालूंगा बिल्कुल, तो मैं दिखाऊंगा इसमें डिजाइन कैसे बनता है जी। एक सिंगल आदमी एक कबूतर को कलर नहीं लगा सकता जी, उसको दो पर्सन चाहिए, चाहिए चाहिए कि भाई आप कलर पकड़ो, आप ब्रश पकड़ो, मैं कबूतर पकड़ता हूँ जी। सिंगल बंदा मन चाह डिजाइन बना सकता है इस होल्डर से, कबूतर को इसमें होल्ड करो, इसको उल्टा करके रखो, इसके फैदर को खोलो दोनों साइड से, जो भी आपने डिजाइन बनाना आराम से बनाओ बिल्कुल, हिलेगा नहीं कबूतर आपका। तो ये बहुत अच्छा इसका रोल रहता है। मेन रोल तो सब जो प्रमोट करते हैं इसको, इसको बेसिक दवाई पानी के लिए, लेकिन मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ अगर किसी को कलर लगाना है तो उसके लिए भाई साहब इससे बढ़िया कलर नहीं लगता, मैंने आज तक देख लिया। मैं इसकी प्रॉपर वीडियो डालूंगा अभी, मैं डाल क्योंकि दोस्तों गूगल पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जीतो सुपर पिजन, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर से आप मालवाई का शो करते हैं जी, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो होमर्स वाले और देसी वाले ग्रेवाल वाले जुड़े हुए हैं जी जी। तो एक बार ये वाला वीडियो जरूर देखेगा जीतो सुपर पिजन्स पे जाके बिल्कुल, और दोस्तों देख सकते हैं सारे सप्लीमेंट्स। इमरान भाई ये अपने पास पिजन्स रिंग्स होते हैं, ये प्लास्टिक रिंग है जी, जैसे कुछ भाई होते हैं नंबर लिखा हुआ है इस पे, कुछ भाई बाहर से परचेज करते हैं, उन्हें जोड़ों की सेटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ज्यादा कबूतर होने की वजह से जी, वो अपने जोड़ों में ये रिंग जो है इजीली डाल के ना अपने जोड़ों की पहचान कर सकते हैं कि मेरा फलाने जोड़े का ये नंबर है, ये नंबर वाला एक ही जोड़े में डालो एक दो, हाँ बस जो बच्चे निकलते हैं 3-4 जोड़े पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें भी हमारे पास कलर अवेलेबल है जी, इसमें तो 12 कलर अवेलेबल, 12 कलर अवेलेबल है इसमें भी बहुत अच्छा। इसके अलावा दोस्तों रिंग्स जो होती हैं, और हमारे पास इमरान भाई इम्पोर्टेड रिंग है जी, ठीक है जी, ये हर कलर में हमारे पास अवेलेबल है, साइज के लिए साइज के हिसाब से आप बनवा सकते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े कबूतर तक। ये अभी जो मेरे हाथ में है ये 7 mm का है, यानी कि छोटे बच्चे का, छोटे बच्चे के ही पैर में डलेगा ये, बड़े कबूतर के नहीं डलेगा जी, और बच्चे के भी तब डलेगा अगर ये 8 दिन से छोटा बच्चा है, 10 से 15 दिन के बच्चे में डल जाता है, नहीं डलेगा, 7 mm का नहीं डलेगा, 7 mm ये 8 दिन के बच्चे में, 7 mm का जो रहता है वो खासतौर से मालवाई के लिए और बॉर्डर वाले कबूतरों के, बिल्कुल बेसिकली ये उन चीजों उसी बर्ड्स के लिए बना है। अगर आप जैसे हुमर के बच्चे को ये डालने लगे तो ये नहीं आएगा, वो आता है 9 mm का लगता है। तो ये बेसिकली पंजाबी कबूतरों के लिए है, और ये एक हफ्ते के बच्चे को आप डाल सकते हो, उससे बड़ा अगर हो जाएगा तो थोड़ी सी कठिनाई परेशानी आएगी, आपको वेसलिन लगाना पड़ेगा। इसमें भी अपने पास सारे कबूतर सारे जो है कलर अवेलेबल है इसमें, हाँ जी। तो दोस्तों ये थे हमारे जीतू सुपर पिजन्स, और वीडियो लंबा हुआ है लेकिन आपको मजा जरूर आया होगा, क्योंकि जीतू भाई हमारे साथ लगातार बने रहेंगे बिल्कुल। आप बिल्कुल। जब भी चाहें जीतू भाई को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, स्क्रीन पे भी नंबर आया हुआ है जी जी। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इमरान भाई एक बात और बोलना चाहूंगा, देखो दोस्तों ये शॉप है हमारी है, हम इसको होल्ड कर रहे हैं, लेकिन कई बार मैं यहाँ पे नहीं मिलता हूँ तो भाई मिलते हैं, हमारे भाई हैं, ये भी जीतू भाई है, हाँ जी, इनका जितेंद्र नाम, इन्हें जीतू ही बोलते हैं, लोग फोन करते हैं तो इन्हें जीतू ही बोलते हैं, मैं भी जीतू ही बोलता हूँ, ठीक है जी। तो इनको आप कॉल कर सकते हैं, ये आपकी कॉल का रिसीव, ये कॉल रिसीव करेंगे, जो भी आपको पूछना है, लेना है, मंगवाना है, वो ये देखते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों कई बार मैं पंजाब होता हूँ, फिर कई बार मैं कबूतरों में होता हूँ, कई भाई आया हुआ होता है, मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो भाई के नंबर पे फोन करें आप बिल्कुल, भाई का नंबर मैं बता देता हूँ जी, 8287-94159 ये भाई का नंबर है। तो जीतू भाई का नंबर ये है, मतलब दोनों जीतू जीतू बोल सकते हो आप, तो जीतू वन और जीतू टू, यही कर रखा है मैंने भी, जीतू वन जीतू बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप जब चाहें आप ले सकते हैं बिल्कुल बिंदास होके जी जी, और जल्दी मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब भी इमरान भाई, आज थोड़ा जल्दी में इनका प्रोग्राम है, इनको यहाँ से निकलना है जी, तो नेक्स्ट टाइम जय कबूतरों का भी शो कराएंगे आपको, पंजाबी कबूतरों का। मैंने आते कहा था कि मैं जीतू सुपर पिजन्स के पास वो पंजाबी मालवाई कबूतर हैं जिनकी तारीफ
कई उस्ताद लोग करते हैं। बिल्कुल तो कबूतरों के लिए भी आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मालवाई कबूतरों के लिए खासतौर से, क्योंकि मालवाई कबूतरों की खासतौर से बहुत तारीफ सुनी है कई उस्तादों से कि जीतू भाई से लिए थे। बिल्कुल तो बहुत बहुत शुक्रिया जीतू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप हमारे पास आए, अपना कीमती टाइम दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलेगी देखने को, और सबसे बढ़िया बात है कि आपकी जानवर की जान बचेगी अगर आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। थैंक यू जीतू भाई, बहुत शुक्रिया भाई जी, थैंक यू, ओके भाई, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शुक्रिया भाई।